सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हेल्पिंग गेमर्स। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को जो तीन गन की स्किन मिल रही है उसमें से आपको कौन सा गन की स्किन लेना चाहिए और किस तरीके से मिलेगा सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ये सारा चीज जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलो गाइस, फटाफट कर लेते हैं वीडियो के स्टार्ट। सो मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर जितने भी फ्री फायर के न्यू इवेंट आती है, न्यू अपडेट आती है, सारा डिटेल आप लोगों को इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। ओके गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इस इवेंट के सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना है, इवेंट के सेक्शन में चले जाना। यहाँ पर आपको न्यू लॉगिन रिवॉर्ड का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर टोटल आपको तीन गन की स्किन दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, तीनों गन की स्किन इनक्यूबेटर वाला है, तो इसमें से जो भी आपको चाहिए एक कोई ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि इसमें से आपको कौन सा गन की स्किन को लेना चाहिए, कौन सा यहाँ पर बेस्ट होने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, जो फर्स्ट नंबर पर है वो UMP की स्किन है और इसका जो पावर होने वाला है वो सिंगल डैमेज प्लस है, डबल रेंज प्लस है और मैगजीन सिंगल माइनस है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रेंज के लिए काफी कमाल की स्किन है, मेरे हिसाब से आपको ये स्किन लेना चाहिए। लेकिन और भी स्किन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो, जो सेकंड नंबर पे गन की स्किन है उसका नाम है यहां पर M60। ठीक है, और ये गन की स्किन का जो पावर होने वाला है, यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, सिंगल रेंज प्लस होने वाला है, मैगजीन सिंगल माइनस होने वाला है और आर्मर पेनिट्रेशन यहां पर डबल प्लस होने वाला है। ठीक है, और ये लॉन्ग रेंज का गन है और ये थोड़ा बहुत आप लोग जब लोगे ना तो आपको लगेगा कुछ भारी सा चीज लेकर के दौड़ रहा हूं, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, एंड अभी मैं आपको थर्ड नंबर दिखाता हूं एंड उसके बाद मैं आपको सारा चीज बताऊंगा कि आपको टॉप वन पे कौन सा रखना है, टॉप टू पे कौन रखना है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं आपको सेकंड नंबर वाला दिखा देता हूं। तो थर्ड नंबर है और ये गन की स्किन होने वाली M4A1 का। ठीक है, और इसका पावर देखिए, डबल रेंज प्लस होने वाला है, रिलोड स्पीड सिंगल माइनस होने वाला है एंड उसके बाद आर्मर पेनिट्रेशन यहां पर सिंगल प्लस होने वाला है और ये भी लॉन्ग रेंज का गन है। ठीक है, तो यहां पर तीनों गन की स्किन मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया हूं। अब बात रहती है यहां पर आपको कौन सा गन की स्किन को लेना चाहिए। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आपको पता है, यहां पर जो दो लॉन्ग रेंज का गन है, एक शॉर्ट रेंज का गन है। ठीक है, वो शॉर्ट रेंज का नहीं, मिड रेंज में भी काम आ जाता है। ठीक है, तो जो टॉप वन पे वो हमारा यूएमपी की स्किन है। क्यों मैं टॉप वन पे रख रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि गाइस ये मिड रेंज का गन होने वाला है और ये आप लोगों को क्लैश स्क्वाड और कस्टम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यस गाइस, बहुत ज्यादा काम आने वाला है और इसका डबल डैमेज प्लस है। ठीक है, तो मिड रेंज के लिए आप लोग ये गन की स्किन ले सकते हो, टॉप वन पे होने वाला यूएमपी की स्किन। ठीक है, अगर आपके पास ये स्किन है तो आपको टॉप टू पे कौन सा स्किन लेना चाहिए, वो होने वाला M4A1। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको M4A1 लेना चाहिए, अगर आप लोग M60 लेते हो तो आपको क्या लगेगा, जब भी मैच वगैरह खेलोगे, जब भी M60 उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका क्रिकेटर थोड़ा सा भारी हो चुका है, क्योंकि वो थोड़ा सा मशीन गन है, इसलिए वो नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आता है M4A1, आप लोग ले सकते हो और थर्ड नंबर पे आप लोग ले सकते हो M60 के स्किन। ठीक है, और किस तरीके से लेना वो यहां पर आप लोग देखो, आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। मान के चलो मैं ये स्किन लेना चाहता हूं, सामने क्लिक किया, क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट क्लेम करके आप लोग वो स्किन ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से डिटेल दे दिया हूं। होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।